गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज आवर टॉपिक इज टूल्स ऑफ टैक्सोनॉमी। एज यू नो व्हाट इज टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी इज द साइंस विच डील्स विद नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म आर टू बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिव लेबोरेटरी एंड फील्ड स्टडीज। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट्स specimen of different species are collected, they are identified and classified, specimen are preserved and stored for future studies. Some of techniques are as follow for taxonomy tool: first herbarium, second botanical garden, third zoological park, fourth museum and fifth key. We discuss first of all herbarium. What is herbarium? Herbarium is a collection of well dried and nicely preserved plants which are collectively identified and arranged according to an approved system of classification. Means many studying institutes arrange these seeds on the basis of some classification like Hutchinson, Bentham, Hooker. They approved different types of classification. Actually में what is herbarium? Herbarium क्या है? तो क्या करते हैं, आप लोगों को भी अपन practical में ये एक examination या एक exercise अपन करवाएंगे। Herbarium के अंतर्गत क्या होता है कि एक plant को अपन जो grassy plant है उसको तोड़कर उखाड़कर या किसी प्लांट जो बड़े प्लांट्स है उन प्लांट्स पार्ट को अपन तोड़कर क्या करते हैं, पहले उनको ड्राई करते हैं। ये आप ड्रायर से कर सकते हैं या पुराने जो न्यूज़पेपर है उनके अंदर उनको प्रेस करके दो तीन दिन उनको रखेंगे और फिर वो क्या हो जाएंगे, ड्राइड हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में उसको इस प्रकार से एक सीट के ऊपर अपन सेलो टेप से चिपका देते हैं और उसके साथ साथ कुछ जानकारियां जो है वो इसके ऊपर लिखी हुई रहती है, जैसे इसका लोकल नेम, व्हाट इज इट्स लोकल नेम, इट्स साइंटिफिक नेम एंड फैमिलीज नेम एंड डेट ऑफ कलेक्शन एंड डेट ऑफ कलेक्टर। मींस किसने ये हर्बेरियम सीड तैयार की है, कौन इसको कलेक्ट करके लाया है प्लांट को। तो कलेक्शन, उसके बाद में प्रेसिंग एंड ड्राइंग, उसके बाद में पॉइजनिंग भी कर सकते हैं अपन, बहुत सारे केमिकल्स के द्वारा इनको क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं, जिससे कि इनको जो हानिकारक इंसेक्टिवर्स है वो क्या नुकसान न पहुंचाए और वो आसानी से लंबे समय तक प्रिजर्व रहे। और उसके बाद में माउंटेनिंग एंड लेबलिंग करते हैं और उसके बाद में स्टोरिंग करते हैं। तो ये सारा काम किया जाता है किसमें, हर्बेरियम सीड में। और इस प्रकार से अलग अलग प्लांट्स और प्लांट्स पार्ट की सीड्स तैयार करके और वो नेक्स्ट टाइम जब अपन उनको देखते हैं या स्टूडेंट्स देखते हैं तो उनको उस प्लांट के बारे में नॉलेज होता है। नेक्स्ट बोटनिकल गार्डन, आप लोगों को पता है नेचर जो है ह्यूमन को हमेशा अट्रैक्ट करती है, हम अपने घरों में भी छोटे मोटे प्लांट्स वगैरह लगा के रखते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन और नोमेनक्लेचर के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने, बहुत सारी गवर्नमेंट ने क्या किए हैं, कुछ गार्डन एस्टेब्लिश किए एंड दे आर कॉल्ड बोटनिकल गार्डन। फ्रॉम देयर वी कैन ऑब्टेन ए प्रॉपर एंड लाइव नॉलेज ऑफ प्लांट्स। सबसे बड़ा बोटनिकल गार्डन, ये क्वेश्चन भी बनता है, रॉयल बोटनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड में है। और इंडिया की अगर अपन बात करें तो इंडिया के अंदर इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा में है। उसके अलावा बहुत सारे, आप लोगों को पता है कंजर्वेशन होता है प्लांट का, तो कुछ प्लांट्स इन सीटू एंड कुछ एक्स सीटू, मींस जहां बहुत सारी डेंसिटी है प्लांट्स की, उस एरिया को गवर्नमेंट क्या कर देती है, बॉटनिकल गार्डन के रूप में उसको अनाउंस कर देती है। वहां उन प्लांट्स वगैरह को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता और स्टूडेंट्स जाके वहां पे लाइव नॉलेज ले सकते हैं। जूलॉजिकल पार्क, इसी प्रकार क्या है, जूलॉजिकल पार्क जहां एनिमल्स के बारे में नॉलेज होता है। आप लोगों ने कहीं विजिट भी किया होगा जू वगैरह का, जैसे एक अपने राजस्थान में भी है, रामबाग जयपुर में।
ठीक है, वहां पे हम लाइव क्या कर सकते हैं, एनिमल्स को देख सकते हैं, और देखने के बाद में हम उनकी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है, और नेम अपने को कोई गाइड उनका बता देगा, तो उससे अपन जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं उनके बीच में डिफरेंशिएशन आसानी से कर सकते हैं। और वी कैन से जूलॉजिकल पार्क्स आर दोज मैन मेड पैलेस वेयर एनिमल्स आर प्रोवाइडेड विद कंडीशन एज सिमिलर एज पॉसिबल देयर नेचुरल हैबिटेट्स। और सिग्निफिकेंस क्या है जूलॉजिकल पार्क का, तो सिग्निफिकेंस क्या है, दीज इन्फॉर्म अबाउट मोस्ट ऑफ लिविंग फीडिंग हैबिट्स एंड बिहेवियर ऑफ वाइल्ड एनिमल। सेकेंड, विजिट टू जूलॉजिकल पार्क आर सोर्स ऑफ एक्सेशन एंड एंजॉयमेंट फॉर द पीपल स्पेशली द चिल्ड्रन। नेक्स्ट, द साइंटिफिक पर्पज इज टू ब्रीड टू एनिमल इंक्रीजमेंट। नेक्स्ट अपना है फोर्थ, म्यूजियम। व्हाट इज म्यूजियम, म्यूजियम आर द इंस्टीट्यूट विच हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल फॉर स्टडी एंड रेफरेंसेस। अपनी लैब में भी क्या है, बहुत सारे एनिमल स्पीसीज रखे हुए हैं, बहुत सारे प्लांट स्पीसीज रखे हुए हैं, ठीक है, और उन स्पीसीज को क्या करते हैं, एक सोल्यूशन है एफ ए ए फॉर्मलिन एसिटिक एसिड के अंदर क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं और उनको एयर टाइट कर देते हैं, जिससे कि वो लंबे टाइम तक प्रिजर्व रहते हैं और उनको देखकर हम छोटे मोटे एनिमल के बारे में आसानी से नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है इसका, सिग्निफिकेंस क्या है, इन दीज द स्पेसिमेन आर प्रिजर्व फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन बाय प्लेसिंग देम इन केमिकल प्रिजर्वेटिव। सेकेंड, प्लांट्स लाइक एल्गी फंजाई मोस एंड फर्न्स पार्ट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म आर प्रिजर्व्ड एज दे कैन नॉट बी मेंटेन्ड इन द बॉटनिकल गार्डन। नेक्स्ट, द प्रिजर्व प्लांट्स इन्फॉर्म अबाउट द हैबिटेट नेचर ऑफ सोयल एंड फ्लोरा ऑफ द एरिया। नेक्स्ट अपना की, व्हाट इज की, की एज यू नो की इज द सोर्स विच कैन ओपन द लॉक। जस्ट लाइक हियर देर इज सम क्वेश्चंस, नेक्स्ट टूल्स ऑफ टैक्सोनॉमी इज की, व्हाट इज की, की इज द कलेक्शन ऑफ सम क्वेश्चंस, व्हेन एवर वी आंसर दैट क्वेश्चन इन यस और नो देन वी ऑब्टेंड सम नॉलेज अबाउट एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। और वी कैन से की रिप्रेजेंट द स्कीम ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। एंड वी स्टडी इन अर्लियर वीडियो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी और हायरार्की सिस्टम, दैट ईच कैटेगरी इज आल्सो कॉल्ड टैक्सा एंड ईच टैक्सा हैज ओवन नंबर ऑफ क्वेश्चंस। बाय गिविंग देयर आंसर इन ओनली यस एंड नो वी कैन आइडेंटिफाई अबाउट सम एनिमल्स। जस्ट लाइक सी एन एग्जाम्पल, वेन एवर वी आस्क अबाउट बी, ओके बी, बी हैज बैकबोन, आंसर यस और नो, देन आंसर कम्स नो, देन इट इज नॉन कॉर्डेटा। और वी टेक एग्जाम्पल ऑफ मैन, देन क्वेश्चन इज सेम फॉर द किंगडम, Each taxa has a different questions or they are their particular series of questions, by them we know about any animal or any plant. Man, it has backbone or not, yes, then it comes in chordata. So these are the tools of taxonomy by which we can identify nomenclature and classify animals or plants. So this chapter is
finished today. Thank you.